hello and assalamu alaikum what's up beautiful people myself irfan ahmad in this video we will discuss about six to seven fundamentals of disaster management topic first meaning and definition hazards and disasters before starting the video i request to all of you if you are new here please subscribe the channel for such amazing videos so let us start the video hazard what is hazard हजर्ड क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट सिचुएशन और बिहेवियर दैट हैज़ द पोटेंशल टू कॉज इंजरी इलनेस और डैमेज टू प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट हजर्ड एक ऐसी सिचुएशन होती है एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसके पास पोटेंशल हो कि वो किसी इंसान या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सके या एनवायरनमेंट को डैमेज कर सके हज़र्ड्स कैन अपीयर इन मैनी ऑक्यूपेशनल सरकमस्टेंसेस और हज़र्ड्स बहुत सारी सिचुएशनज में आ सकते हैं सम हज़र्ड्स आर एक्यूट एंड पोस्ट इमिडियट डेंजर टू द हेल्थ और कुछ ऐसे हज़र्ड्स होते हैं जो सडर्न आते हैं जिनको डायरेक्ट इमिडियट इफेक्ट हेल्थ पर पड़ता है एंड फिजिकल इंटेग्रिटी ऑफ द वर्कर्स और गेस्ट ऑन द प्रिंस और उनके उन लोगों के ऊपर जो बिल्डिंग में मीटिंग बिजनेस ऑफिसल्स होते थे या बिजनेस मीटिंग्स होती थी उनमें सडन इफेक्ट्स आता है अदर टेक ए लॉन्गर टाइम टू मटेरियलाइज एंड मे हैव एन कमिटिव इफेक्ट और ऐसे भी हजर्ड्स होते हैं जिनको बहुत सारा टाइम लगता है आने में बल्कि उनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत समय तक रहता है बहुत समय तक रहता है एज इज द केस फॉर सटिंग वेपर्स वेपोर एंड रेडियश दैट मे लेट क्रोनिक मेडिकल कंडीशन रिपीट और एक्सपोजर और ऐसा ही केस है कुछ कैमिकल से कुछ वेपर्स और डस्टस से और कुछ रेडिएशन से उनसे भी एक ऐसी क्रोनिक मेडिकल कंडीशनस होती है वो जो बहुत समय तक रहती है लगभग एटलीस्ट वन ईयर तक रहती है और रिपीटडली वो डिजीजे होती है वो मेडिकल कंडीशन आती है फिर उस हज़र्ड से नाउ हजर्ड्स कैन बी क्लासफाइड एज हज़र्ड के टाइप्स क्या है किस तरह के हज़र्ड्स होते हैं फर्स्ट इज फिजिकल हज़र्ड दे आर द मोस्ट कॉमन हजर्ड्स एंड दे इंक्लूड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सेसि अनगॉडेड मशीनरी ये बहुत ही कॉमन हज़र्ड्स होते हैं और इनमें आता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हो जैसे एक्सेसिव नाइस nice हो और अनगॉडेड मशीनरी मीनस वो मशीनज जो सेफ नहीं हो एक इंसान के यूज करने के लिए सेकंड इज कैमिकल हज़र्ट्स डीजियर वेन वर्कर इज एक्सपोज टू केमिकल्स इन द प्लेस ये तब आते हैं जब कोई इंसान वर्क पर किसी केमिकल के साथ काम करता है केमिकल की फैक्ट्री में काम करता है सम और सेफर देन अदर्स बट फॉर वर्कर्स हु आर मोर सेंसिटिव टू केमिकल्स इवन सम कॉमन सॉल्यूशंस कैन कॉज इलनेस और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और कुछ इंसान ऐसे होते जो इससे सेफ होते हैं बट कुछ इंसान जो सेंसिटिव होते हैं वो थोड़ी सी भी केमिकल से सोलूशन से बीमार पड़ सकते हैं उनमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ सकती है थर्ड इज बायोलॉजिकल हज़र्ड्स दीज इंक्लूड द वायरसेस, बैक्टीरियास, फंगस पैरासाइटस एंड एनी लिविंग दैट डेट इन्फेक्टेड टू ह्यूमन बींगस बायोलॉजिकल हज़र्ट्स में आते हैं बैक्टीरियाज आते हैं या कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसको जो पोटेंशियल हो वो एक इंसान एक ह्यूमन बींग को डिजीज काज कर सकता है तो ये भी एक हज़र्ड है फोर्थ इज मैकेनिकल मैकेजर्ड दीज आर यूजली क्रिएटेड बाई मशीनरी ऑफन विथ प्रोट्रोडिंग और मोइंग पार्ट्स मैकेनिकल हज़र्ड्स वो हज़र्ड्स होते हैं जो ज़्यादातर मशीनरी से आती हैं या वो मूविंग पार्ट्स या कोई ऐसी ड्रिल मशीनज होती है या कोई ब, ब, बहुत सारी तरीके से मशीन से आ सकता है मैकेनिकल हज़र्ड नाउ वट इज डिज़ास्टर डिज़ास्टर इज अ सडन क्लाइमेट इवेंट दैट सीरियसली डिस्टर्ब इज द फंक्शनिंग ऑफ ए कम्युनिटी और सोसाइटी डिजास्टर एक सडन अचानक और जो बहुत ही सीरियसली डैमेज कर सकता है और जो एक सोसाइटी को फंक्शन को खलल दे सकता है जो सोसाइटी या कम्युनिटी के फंक्शन में खलल डाल सकता है ऐसी सिचुएशन एंड कॉज ह्यूमन मिटीरियल इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉसेस दैट एक्सीडज द कम्युनिटीज और सोसाइटीज एबिलिटी टू कोप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और एक जो ह्यूम मटीरियल और इकोनॉमिक लॉसेस कर सकता है और जिसके पास पोटेंशियल हो दैट कॉज कम्युनिटीज और सोसाइटीज और जो इस तरह लॉसेस कर सकता है कि एक कम्युनिटी और सोसाइटी के पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने रिसोर्स का यूज करके उसको कोप कर सके थ्रो ऑफन काज बाई नेचर डिजास्टर्स कैन हैव ह्यूमन ऑरिजन डिजास्टर्स नेचर से भी आ सकते हैं नेचुरली भी आ सकते हैं बट इनका ह्यूमन ऑरिजिन भी ये ह्यूमन ह्यूमन मेड भी या मैन मेड भी हो सकते हैं नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर ए नेचुरल डिजास्टर इज ए नेचुरल प्रोसेस और फिनोमिना दैट मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ और अदर हेल्थ इम्पेक्ट और प्रॉपर्टी डैमेज लॉस ऑफ लाइवलीहुड सर्विसेज सोशल एंड इकोनॉमिक डरप्शन एनवाटल डिजास्टर वो होता है जो नेचुरल प्रोसेस से होता है जो नेचुरली हो और जिसके पास पोटेंशल हो वो जिसे हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ सके जिससे एनवायरमेंटल या हेल्थ और सर्विसेज पे भी इम्पैक्ट पड़ सके या डिस्ट्रप्शन इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो सके या एनवाटल डेमेज भी हो सके बाई नेचुरली तो जैसे अर्थक्विक हो तो ये था नेचुरल डिजास्टर जो नेचुरली आए वेरियस फिनोमिना लाइक अर्थ वालकनिक इरप्शन फ्लडिंग एंड साइक्लोन्स और पीपल एवरी ईयर और नेचुरल हज़र्ड्स में आता है फ्लडिंग वो अर्थ क्विक वॉलिक जो हर साल थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को किल करते हैं एवरी ईयर नाउ मैन मेड डिज़ास्टर्स ह्यूमन इन्वेस्टिगेटि डिज़ास्टर्स और कॉन्सिक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल हज़र्ड एग्जाम्पल इंक्लूडिंग हज़र्डस मिटीरियल स्पिल्स फायरस ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड न्यूकलियर एक्सपोजनस एंड एक्ट ऑफ टेरिज्म इट मीनज जो ह्यूमज के बदौलत डिज़ासस होते हैं जो ह्यूमस की वजह से होते हैं वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल हज़र्ड्स होते हैं उन जो ह्यूमस की बदौलत से होते हैं उनको हम मैन मेड हज़र्ड्स कहते हैं जैसे कि स्पिल्स फायरस या ग्रो फॉर ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इंडस्ट्री में कोई किसी जगह कोई एक्सीडेंट हो इंडस्ट्रीज में मतलब ट्रांसपोर्ट में किसी का जगह कोई एक्सीडेंट हो जैसे न्यूक्लियर एक्सपोजनस किसी जगह न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है तो उससे जो डिज़ास्टर आता है या एक्ट ऑफ टेररिज्म तो ये सार सारे आते हैं मैनमो डिज़ास्टर्स में सो so, ये था आपका आज का फर्स्ट टॉपिक मिलते हैं आप लोगों को सेकंड वीडियो में सेकंड टॉपिक के साथ सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।